Hey everyone, welcome back to Phil's Vision. I am Madhu, I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the solutions of chapter 10. So let's start. ये देखिए, ये है chapter 10, non-finite verbs. अब इसमें जो है, let's begin exercise है, चलिए इसे शुरू करते हैं. तो exercise शुरू करने से पहले, video शुरू करने से पहले, आपसे जरूर कहूँगी, अगर video आपके लिए helpful होगी, थोड़ा सा भी आपको इससे help मिल रही है, तो video को like कीजिएगा, channel subscribe कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा. आपका जो है लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे काम को और करते रहें, आपके लिए इतनी मेहनत और करते रहें. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन एमी एंड हर फादर. कैन यू स्पॉट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन देयर स्पीच. तो ये देखिए, इसमें जैसे टू वीक है एंड यहाँ पे है रनिंग और ये है रबिंग और कैंपिंग जंपिंग रनिंग. ये देखिए, एक्सरसाइज नंबर वन में है, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव्स एंड सर्कल द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें है स्केर्ड, अप्रोचिंग, टू हाइड, हैविंग नोटिस्ड एंड स्विमिंग, टू बी फेल, टू सक्सीड, क्राइंग एंड इसमें जो है बी में रेस्क्यूड एबेटेड किटन फ्रॉम द एले. कुछ भी नहीं है. और इसमें है रेविंग एंड अमेजिंग. तो ये है एक्सरसाइज नंबर टू. रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट वेदर दे हैव ए जेरन. इफ द सेंटेंस कंटेन ए जेरन देन टिक. इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव ए जेरन देन पुट अ क्रॉस साइन. तो इसमें देखिए, ये है स्विमिंग, तो इसमें है इसलिए टिक किया है. डांसिंग टिक किया है, इसमें नहीं है तो क्रॉस. एंड यहाँ पे डांसिंग, तो यहाँ पे टिक किया है. तो यहाँ पे देखिए, इसमें इसमें नहीं है तो क्रॉस है. ट्रेनिंग तो टिक है एंड यहाँ पे दोनों में क्रॉस है. तो ये है देखिए, चूज द करेक्ट आंसर्स. अब इसमें होगा पार्टिसिपल, सेइंग के लिए कहा जा रहा है. क्या है ये पार्टिसिपल यहाँ पे है. एंड इसमें जो है रानी अटेम्प्ट टू आंसर. आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग. I feel too tired to walk. I caught him drinking cold drink. अब इसमें जो हो जाएगा having, तो having heard. And इसमें क्या पूछ रहा है आप देख लीजिए. Which are non-finite verbs here? Having heard, ये यहाँ पे non-finite है. And G में देखिए, इसमें जो है क्या पूछ रहा है. Which is infinitive to speak. टू स्पीक होगा. एंड एच में है हैंड रिटन. ये क्या है, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल. देखिए इसमें फोर में है आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो ये देखिए, टेक इसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट दोनों आपको अंडरलाइन करना है. तो टेक है, ये फाइनाइट वर्ब्स है. स्ट्रक है एंड एंटर्ड, तो दोनों फाइनाइट वर्ब हैं. फाइनाइट को मेंशन करने के लिए यफ लिखा गया है. एंड इसमें देखिए, टू लर्न नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के लिए यन लिखा गया है. एंड इसमें टीच के लिए यफ फाइनाइट है. एंड टू ऑर्गेनाइज यन नॉन फाइनाइट है. एंड सॉ फाइनाइट है. कमिंग नॉन फाइनाइट. वॉक फाइनाइट. टू वर्क नॉन फाइनाइट. और जी में है लर्न टू फाइनाइट. टू प्ले नॉन फाइनाइट. वॉन्डर फाइनाइट. And looking for non-finite.